Assalamualaikum everyone, this is me Ayusha Ibrahim. Welcome back to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss quantitative research, its methods and types. So let's start. आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और मेथड्स और टाइप्स को. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव रिसर्च है क्या. इसमें दो टर्म्स यूज़ हो रही है, एक है क्वांटिटेटिव और एक है रिसर्च. रिसर्च जो है ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होती है, और ये क्यों किया जाता है, जब भी हमने किसी न्यू फिनोमिना को एक्सप्लोर करना हो या ऑलरेडी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है उसको वेरीफाई करना हो, तब जो है हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं. और क्वांटिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव में वर्ड आ रहा है क्वांटिटी, मेजरेबल, वो चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हो या जिसको आप न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको हम सिंपली बोलते हैं क्वांटिटेटिव. तो ये क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं, जो कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में या नंबर्स की फॉर्म में. ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च एक ऐसा रिसर्च मेथड है जिसमें हमारे पास जो है डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, नंबर के फॉर्म में होता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं या वो क्वांटिफाइबल होता है. ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है कि कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को देखने के लिए ये करते हैं. यहाँ पे दो वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट. ठीक है, उन दोनों के दरमियान कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप देखने के लिए क्वांटिटेटिव रिसर्च कंडक्ट की जाती है. और सेकंड जो है, जब हमने हाइपोथेसिस वगैरह को टेस्ट करना हो तब ये यूज़ किया जाता है. इसमें सैम्पल साइज जो है वो लार्ज होता है. लार्ज मतलब आप ज़्यादा पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, और जनरलाइज रिजल्ट्स होते हैं, यानी आप ब्रॉडर पॉपुलेशन पर उसको अप्लाई भी कर सकते हो. यहाँ पर डेटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड मेथड के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, जैसे इंटरव्यू सर्वे वगैरह हो गया. यहाँ पर क्वांटिटेटिव डेटा की कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि आपका वेट, आपकी हाइट, इनकम, ये सारी चीज़ें जो है ये मेजरेबल हैं, ये क्वांटिटेटिव डेटा है. ठीक है, नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक्स है जनरलाइजेशन, रिलायबिलिटी, क्लोज एंडेड ऑब्जेक्टिव और मेजरेबिलिटी. ठीक है, जनरलाइजेशन क्या है, यानी यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं वो जनरलाइज होते हैं, वो ब्रॉडर पॉपुलेशन पे आप अप्लाई कर सकते हो. रिलायबल और ऑब्जेक्टिव जो है, मैंने एरो लगाया हुआ है यहाँ पर, ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं. रिलायबल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा वैलिड या ज़्यादा रिलायबल होते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है. अब ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, न्यूट्रल होना. ठीक है, जहाँ पर बायसनेस ना हो. क्वालिटेटिव में हमने बात की थी कि वो सब्जेक्टिव है, ये जो है ऑब्जेक्टिव है. यहाँ पर रिसर्चर के अपने इमोशंस, अपने सेंटिमेंट्स, अपने ओपिनियंस वगैरह, अपनी फीलिंग्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती. रिस्पॉन्डेंट जो उसको आंसर कर रहा है उसने उसी डेटा को लेकर चलना होता है. ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अप्रोच होने की वजह से ये रिलायबल होती है. क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि येस और नो में आंसर करना होता है, या फिर एक स्केल होता है, एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री. ठीक है, वो उसको टिक करना होता है रिस्पॉन्डेंट ने. तो यहाँ पर वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, वो खुद से अपने एक्सपीरियंसेस नहीं लिख सकते. उसके बाद मेजरेबिलिटी, यानी कि मेजरेबल होते हैं, जैसे मैंने कहा कि आपका एज, हाइट वगैरह, ये सारी मेजरेबल चीज़ें, जिन चीज़ों को आप मेजरेबल मेजर कर सकते हो, तो वो जो है वो क्वांटिटेटिव होता है. उसके बाद मेथड्स में यहाँ पे सर्वे, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, कंटेंट एनालिसिस और एक्सपेरिमेंट आ जाते हैं. और टाइप्स में इसके दो टाइप्स हैं, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल. एक्सपेरिमेंटल में ट्रू है और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, और नॉन एक्सपेरिमेंट में डिस्क्रिप्टिव और कोरिलेशनल. अब इन दो चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे. तो टाइप्स में हमारे पास पहले है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एक्सपेरिमेंट लव से ही पता चल रहा है, यानी तजर्बा, ऐसी रिसर्च जिसमें जो रिसर्चर है वो किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट करता है. तो यहाँ फर्दर इसके दो टाइप्स हैं, एक है ट्रू एक्सपेरिमेंट और एक है क्वासी एक्सपेरिमेंट. ट्रू एक्सपेरिमेंट और क्वासी एक्सपेरिमेंट तकरीबन सेम है, लेकिन इनमें डिफरेंस है. सिंपल वर्ड्स में समझने के लिए पहले मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर जो है ट्रू एक्सपेरिमेंट में तीन चीज़ें होती हैं, मैनिपुलेशन, रेंडमाइजेशन और कंट्रोल ग्रुप. यानी मैनिपुलेशन क्या होता है कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट. ठीक है, इंडिपेंडेंट वो होता है जिसका इफेक्ट हमने देखना होता है डिपेंडेंट पे, यानी जो हम इफेक्ट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंट पे, उसको हम बोलते हैं मैनिपुलेशन है ये. जैसे लेट सपोज यहाँ पे मेडिसिन और पेशेंट है. मेडिसिन जो है ये इंडिपेंडेंट है, और जो पेशेंट है वो डिपेंड कर रहा है इस मेडिसिन पे या पेन किलर पे. उसको लेट सपोज कोई पेन है और उसके रिलीफ के लिए वो मेडिसिन लेना चाह रहा है. ठीक है, अब हमने देखना है कि उस मेडिसिन का क्या इम्पैक्ट पड़ा या क्या इफेक्ट है पेशेंट पे. इस चीज़ को ऑब्जर्व करना जो है मैनिपुलेशन होता है. तो रिसर्चर क्या करता है इन दोनों तरह की रिसर्च में, ऑब्जर्व करता है कि इंडिपेंडेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे. ठीक है, और सेकंड है रेंडमाइजेशन. यहाँ पर हर बंदे के पास इक्वल चांस होता है रिस्पॉन्डेंट के, कि उसको सिलेक्ट किया जाए. ठीक है, नेचुरल सेटिंग में नहीं होता, ये आर्टिफिशियल सेटिंग में होता है, कंट्रोल कंडीशन में. तो यहाँ पर रेंडमाइजेशन होती है. इसके अलावा ये कंट्रोल ग्रुप, यानी कि रिसर्चर कंट्रोल कर सकता है. अब यहाँ पर क्या होता है, ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें रिसर्चर जो है वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करता है, यानी उनका एक दूसरे पर जो इफेक्ट है उसको ऑब्जर्व करता है, और उनके दरमियान कॉज और रिलेशनशिप इफेक्ट जो है उसको देखता है. ठीक है,
उसके बाद जो है रेंडमली असाइन होता है कंट्रोल कंडीशन, ये होता है ट्रू एक्सपेरिमेंट। लेट्स सपोज के हमने देखना हो हमारे स्लीपिंग आवर्स और मूड के दरमियान कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप देखना हो, तो ये जो है ट्रू एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकंड बात करते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंट की, तो ये नेचुरल सेटिंग में होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा ना आर्टिफिशियल सेटिंग में, यहाँ पर ये नेचुरल सेटिंग में होता है, जो चीज़ पहले से एग्जिस्ट कर रही है, प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप्स हैं उन पर ही ये रिसर्च कंडक्ट की जाती है। और यहाँ पर जो है हम वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन पार्टिसिपेंट्स जो हैं रेंडमली असाइन नहीं होते, तो रेंडमाइजेशन जो है ये क्वासी में नहीं होती, ये एबसेंट होगी, ठीक है। और कंट्रोल ग्रुप जो है ये भी हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन ये जो है मैनिपुलेशन का फैक्टर ये एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। तो ये लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, अब आपने दो मेडिसिन बनाई हैं, ठीक है। अब आपने डायबिटीज़ की, अब आपने उसका देखना कि कौन सी मेडिसिन बेहतर तरीके से वर्क करती है पेशेंट्स पे। तो आपने डायबिटीज़ के जो पहले से पेशेंट हैं उनके ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है, और उन दोनों को वो मेडिसिन यूज़ करानी है और फिर देखना है कि कौन सी मेडिसिन बेहतर तरीके से वर्क कर रही है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, तो दो स्कूल्स हैं, एक है स्कूल ए और एक है स्कूल बी। अब एक न्यू टेक्नोलॉजी आई है या न्यू टीचिंग मेथड आया है और आपने ऑब्जर्व करना है कि उसका क्या इम्पैक्ट है। तो आप स्कूल जो ए है, जहाँ पर पहले मतलब ये एक प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप है बच्चों का, एक स्कूल है प्रॉपर, ठीक है, यहाँ पर जो है आप उस न्यू टेक्नोलॉजी से बच्चों को पढ़ाओगे और यहाँ पर जो ट्रेडिशनल मेथड चल रहा है उससे ही। उसके बाद आप मतलब यहाँ पर न्यू मेथड आ गया, यहाँ पर ट्रेडिशनल। अब आपने देखना है कि ऑब्जर्व करोगे आप कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, कौन सा जो है वो मेथड बेहतर तरीके से वर्क कर रहा है, किसके रिजल्ट से आउटपुट अच्छा आ रहा है। तो ये होता है क्वासी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो सिंपल क्या है, ट्रू एक्सपेरिमेंट में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप दोनों में देखा जाता है, एक्सपेरिमेंट दोनों में होता है, लेकिन यहाँ पर जो है हर बंदे के पास इक्वल चांस होता है, मतलब वो खुद रैंडमली सेलेक्ट असाइन हो सकते हैं मेंबर्स ग्रुप रिस्पॉन्डेंट ग्रुप्स में। आर्टिफिशियल सेटिंग में होता है, कंट्रोल कंडीशंस में होता है, लेकिन यहाँ पर नेचुरल सेटिंग और जो प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप्स हैं उन पर ही ये कंडक्ट किया जाता है। मैनिपुलेशन होती है वेरिएबल्स की, ऑब्जर्व किया जाता है इफेक्ट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के दरमियान पार्टिसिपेंट्स, लेकिन रैंडमली असाइन नहीं किए जाते। तो ये है क्वासी एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट जो टाइप है वो है नॉन एक्सपेरिमेंट। इसमें हमारे पास आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव और कोरिलेशनल। डिस्क्रिप्टिव के वर्ड से पता चल रहा है, यानी डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर जो है वो सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व किया जाता है किसी फिनोमिना को, या रिकॉर्ड किया जाता है, या फिर उसको जो है डिस्क्राइब किया जाता है। यहाँ पर जो है हमारे पास हर तरह के क्वेश्चन लाइक हाउ, वेयर, व्हेन, इन सब को आंसर किया जाता है, एक्सेप्ट व्हाई, कि ये फिनोमिना क्यों हुआ इसका आंसर नहीं किया जाता। इसके अलावा व्हेन, वेयर, हाउ, इन सारी चीज़ों को जो है एक्सप्लेन करता है ये वाली रिसर्च के टाइप, ठीक है। यानी यहाँ पर किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, और यहाँ पर वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं किया जाता, यानी एक दूसरे का कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं देखा जाता, बल्कि कोई जो फिनोमिना है उसको डिटेल से डिस्कस किया जाता है, या एक्सप्लेन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। फॉर एग्जांपल के यूथ में जो है वो रेट ऑफ स्मोकिंग क्या है, कितने परसेंट यूथ जो है वो इन्वॉल्व है स्मोकिंग में, इस चीज़ को, इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करना जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कोरिलेशनल। कोरिलेशनल मतलब रिलेशनशिप, ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है रिलेशनशिप, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको डिस्क्राइब करता है कोरिलेशनल रिसर्च टाइप, ठीक है। अब फर्दर इसके दो टाइप्स हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। पॉजिटिव में ये होता है कि जो दोनों वेरिएबल हैं या तो वो इंक्रीज़ हो रहे हैं या वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे उतनी तेज़ी से आपका वेट लॉस होगा, ठीक है, यानी दोनों वेरिएबल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। कि अगर आप जो है एक्सरसाइज का टाइम बढ़ा दोगे तो उसके साथ साथ जो है आपका वेट लॉस जो है वो भी ज़्यादा तेज़ी से कम होगा, ठीक है। तो ये या दोनों इंक्रीज़ होते हैं या दोनों डिक्रीज़ होते हैं। उसके बाद आ जाता है सेकंड, वो है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है कि एक इंक्रीज़ हो रहा होता है, यानी एक वेरिएबल जो है वो इंक्रीज़ होगा तो दूसरा डिक्रीज़ होगा, ये इस तरह से चलेंगे। फॉर एग्जांपल कि आपका टेस्ट है, अब जितने ज़्यादा घंटे आप अपने स्टडी को दोगे, जितना अच्छे तरीके से पढ़ोगे उतना स्ट्रेस लेवल आपका कम होगा, यानी आपका स्टडी टाइम जो है अगर आप उसको बढ़ाओगे, सही तरीके से पढ़ोगे तो आपका जो स्ट्रेस है या एन्जाइटी का लेवल है वो उतना ही डिक्रीज़ होगा। तो ये चीज़ होती है नेगेटिव, यानी जिसमें एक वेरिएबल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा हो और दूसरा डिक्रीज़ हो रहा हो, और पॉजिटिव में या दोनों वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहे हो या दोनों डिक्रीज़ हो रहे हो, ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव। अगर इसका ओवरऑल बात करें रिलेशनशिप देखने के, तो हम मोबाइल फ़ोन का जो यूज़ है और उसका मेंटल हेल्थ इलनेस के साथ क्या ताल्लुक है, ये सारा रिलेशनशिप वगैरह जो है वो कोरिलेशनल में देख सकते हैं। तो ये है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च टाइप।
नेक्स्ट है मेथड्स के रिसर्चर किन किन तरीकों से जो है वो डेटा को कलेक्ट करता है क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर जो है ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होती है जहाँ रिसर्चर जो है वो वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करता है और कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप देखता है उनके दरमियान के एक का किसी दूसरे पर क्या इम्पेक्ट है, और इस ये कंट्रोल कंडीशन में किया जाता है ताकि जो गैर ज़रूरी फैक्टर्स हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सके और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हैं वो कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल स्लीपिंग स्केड्यूल और मूड के दरमियान अगर हमने देखना हो, ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या इम्पेक्ट है हमारे स्लीपिंग आर्ट्स का हमारे मूड स्विंग्स पे, तो ये एक एक्सपेरिमेंट होगा। सेकंड है सर्वे, यहाँ पर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चनर के फॉर्म में हो सकता है या इंटरव्यू के फॉर्म में लिया जा सकता है जो हम रिस्पॉन्डेंट से पूछते हैं, ठीक है, यानी एक तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो हम रिस्पॉन्डेंट से करते हैं। पेपर बेस्ड हो सकते हैं, ऑनलाइन सर्वे हो सकते हैं, इंटरव्यू के फॉर्म में हो सकते हैं, जिसमें आप जो है वो रिस्पॉन्डेंट से डेटा कलेक्ट करते हो, उनके ओपिनियंस वगैरह ले सकते हो, होते ये क्लोज एंडेड हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ होती है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में ये होता है कि हम किसी भी नेचुरल सेटिंग में किसी फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हैं, यानी यहाँ पर ये होता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी क्लासरूम में किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का बिहेवियर ऑब्जर्व करना हो या किसी स्कूल में उन बच्चों का बिहेवियर ऑब्जर्व करना हो, तो नेचुरल सेटिंग में बगैर उनको बताए आप उनका बिहेवियर जो ऑब्जर्व करोगे वो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ होती है। तो ये कोई भी फिनोमिना जो हम नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करते तो वो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में आ जाता है। उसके बाद कंटेंट एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके नाम से पता चल रहा है, कंटेंट यानी कोई भी नॉलेज इंफॉर्मेशन किसी भी किस्म का, मतलब आप कह सकते हो कंटेंट जो सिंपल होता है। उसके बाद एनालिसिस यानी उस चीज़ को एनालाइज करना, ठीक है। तो ये क्या है कि जितने भी फॉर्म्स हैं कम्युनिकेशन की उसको एनालाइज करना। अब कंटेंट हमारे पास ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, न्यूज़पेपर या किसी भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास जो डेटा मौजूद है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसको एनालाइज करना जो है वो कंटेंट एनालिसिस है। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखना हो कि ग्रेड ए से लेके ग्रेड फिफ्थ के बच्चों का जो सिलेबस है उसमें जेंडर रोल्स के बारे में देखना हो, तो आप उनकी जितनी भी बुक्स हैं उनको एनालाइज करोगे, उनमें देखोगे कि कितने जो है वो मेल कैरेक्टर हैं, कितने फीमेल कैरेक्टर हैं, किस तरह से उनके साथ जो जेंडर रोल्स को अटैच किया हुआ है, तो ये चीज़ जो है आप ऑब्जर्व करोगे, कंटेंट एनालिसिस है। तो बेसिकली जो है ये फोर इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनके जरिए से डेटा कलेक्ट किया जाता है। एक में हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, एक में जो है हम क्वेश्चंस पूछते हैं रिस्पोंडेंट से, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, और कंटेंट एनालिसिस में जो ऑलरेडी कंटेंट मौजूद है किसी भी फॉर्म में, यानी ये हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को जो है वो एनालाइज करते हैं, कंटेंट एनालिसिस है। तो ओवरऑल आज का जो लेक्चर था इसमें हमने डिस्कस किया है क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव यानी कि मेजरेबल, जिसमें हमारे पास जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आती है, ठीक है। उसके बाद हमने करेक्टरिस्टिक्स देखी कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, जनरलाइजेशन होती है, और इसके अलावा मेजरेबिलिटी होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, कुछ हमने उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखी। उसके बाद हमने देखी टाइप्स, दो तरह के टाइप्स थी, एक एक्सपेरिमेंट और एक नॉन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में फर्दर दो थी, ट्रू एक्सपेरिमेंट और क्वासी एक्सपेरिमेंट। क्वासी एक्सपेरिमेंट में जो है वो रेंडमाइजेशन नहीं होती है, मैनिपुलेशन होती है, जबकि जो और ये नेचुरल सेटिंग में होती है, और जो ट्रू एक्सपेरिमेंट है वो आर्टिफिशियल सेटिंग में कंडक्ट की जाती है कंट्रोल कंडीशंस में, और वहाँ पर जो है वो रेंडमाइजेशन होती है और मैनिपुलेशन भी होती है वेरिएबल्स की। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव और कोरिलेशनल देखा। डिस्क्रिप्टिव में हम किसी भी फिनोमिना को वेरिएबल को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं विदाउट मैनिपुलेटिंग देम, और कोरिलेशनल में हम डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इन चार मेथड्स के थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।